बड़ी अपमान की बात है कि हमारे घर में लोग दस्तावेज मांगेंगे कि हम इस देश के निवासी हैं कि नहीं। आप बताओ, बिहार जो है एक तरफ पूरा जो है बाढ़ से डूबा रहता है, बाढ़ आता है तो कितना लोगों का घर दह जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो लोग कहाँ से कागज डॉक्यूमेंट लाएगा बताएगा कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं? ये कोई कौन बताएगा, कौन डॉक्यूमेंट तय करेगा? तय करने वाले कौन है, पूछने वाले कौन है कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? तो आप देखिएगा तरह तरह की बातें, आप आदिवासी भाइयों के बीच चले गए, भाई नहीं पहुंचा है छोड़ दीजिए ना, जो जंगलों में रहने का काम करते हैं उनका पूरा समुदाय रहता है, आप उनसे कहाँ से डॉक्यूमेंट की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट? अब देखिए 1951 के समय जो भी हुआ उस समय का डॉक्यूमेंट कौन लाएगा, रिफ्यूजी का जो टोकन मिलता है वो कौन लाएगा, कहाँ होगा अभी पड़ा हुआ? तो ये पूरी तरीके से ये काला कानून है जिसके लिए हम लोग जो है पूरी तरीके से विरोध जो है करने का काम। नीतीश कुमार ने ना कहा एनआरसी को, वो कह रहे हैं बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार जी बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का चोला उन्होंने पहना था उनका दोहरा चरित्र जो है वो उजागर हो गया है। ये बात समझिए, 370 में क्या था, नहीं होने देंगे, क्या कहा था उन्होंने ट्रिपल तलाक पे कि नहीं होने देंगे, एनआरसी हो या आपका जो सीए है अब एक्ट बनवा दिया। देखिए कथनी या करनी में भारी अंतर, उनके कथनी पे मत जाइए करनी पे जाइए। लोकसभा राज्यसभा में नीतीश कुमार जी ने वोट देने का काम किया है, बिल को एक्ट बनाया है, और ये पूरी तरीके से आप लोग देखिएगा नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं, और ये खाली इनके अभी तो रुदालू लोग से रुलवा रहे थे, अब खुद रोने का काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग कहते थे कि विरोधी भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं विरोधी भड़काने का काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे, उनको घर बुला करके बोलते कि आप अपने स्टैंड पर रहिए, कोई कुछ कहता हो उस पर ध्यान मत दीजिए, यानी उनके दल के ही लोग वो बोले नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर भी भड़का रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ भी उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरा चरित्र है, वो उजागर हो गया। और ये खाली इनके अभी तो रुदालू लोग से रुलवा रहे थे, अब खुद रोने का काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग कहते थे कि विरोधी भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं विरोधी भड़काने का काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे, उनको घर बुला करके बोलते कि आप अपने स्टैंड पर रहिए, कोई कुछ कहता हो उस पर ध्यान मत दीजिए, यानी उनके दल के ही लोग वो बोले नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर भी भड़का रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ भी उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरा चरित्र है, वो उजागर हो गया। यहाँ से जो मसाल जुलूस है वो निकला है, मसाल जुलूस निकला है, हालांकि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह आप यहाँ से बात जिस तरीके से होगा वो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर नीतीश कुमार और इसके अलावा जिस तरीके से जो प्रशांत किशोर है उन पर तंज कसा है, और सीधे तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से उसमें एनआरसी और सीएए को लागू वो नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कितना बड़ा प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11, मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे, फिलहाल तक न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।